फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द 2.5 फ्रॉम फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। हमने 2.5 के 4 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या है, सिंपल हमने फैक्टराइज करना है ना। फैक्टराइज करना है जैसे इस टर्म को, है ना, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पहले अगर मैं नीचे उतारूँ इसकी स्टेटमेंट, और इसको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² + 9y² + 16z², बस ये सारी जो एक्सरसाइज है आइडेंटिटीज़ के बेस के ऊपर ही है, तो ऐसे ही करते जाना है अपने। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है और ये क्या है, -16xz। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, अब अगर मैं इस सारी चीज़ को कंपेयर करूं किसी आइडेंटिटी से, तो देखो ये इसमें कितनी 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी इसमें तो कहीं पे भी, इनमें तो किसी में भी 6 टर्म्स नहीं आ रही। उसके अलावा इसमें भी नहीं, इसमें तो 3 टर्म्स है, ये भी नहीं है, ये तो कुछ हो रही है ब्रैकेट्स में इतना लंबा, ये भी नहीं है। तो इसको अगर आप आइडेंटिफाई करो तो इसमें इसके राइट साइड में कितनी टर्म्स है, देर आर 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। तो इसके राइट साइड में कितनी टर्म्स है, देर आर 6 टर्म्स। तो हमें पता चल गया कि हमें ये चीज़ दी हुई है, इस आइडेंटिटी की राइट साइड दी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट करवाना है इनटू द लेफ्ट साइड। ठीक है, जो भी आपको साइड दी होती है उससे ऑपोजिट साइड में उसको ओपन कर दो। ठीक है, अब हमें राइट साइड दे रखी है, हमने क्या इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करवाना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी उतारूँ, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, क्या है हमारी, ये ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर है ना, आई थिंक, यस, एक्स वाई जेड लिख लो, चाहे ए बी सी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ये एक्स वाई जेड में है, चाहे एक्स वाई जेड में लिख लो, चाहे ए बी सी में लिख लो, चलो एक्स वाई जेड में लिख लो चाहे, ठीक है, मर्जी आपकी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी होती है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy + 2yz + 2zx, है ना, ये आइडेंटिटी है। तो पहले तो ये जो हमें ये राइट साइड दी हुई है इसको थोड़ा सा हम ओपन करेंगे। कैसे, देखो जो पहले इसकी ना हमने सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होती है एक्स की स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो हमें स्क्वायर बनाना होगा। 4x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x की होल स्क्वायर भी, तो सबसे पहले होल स्क्वायर बनाना होता है, ये चीज़ याद रखो। तो इसको मैं 2x की स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैं 2x को 2 टाइम्स ओपन करूँगी तो 2 2 जा 4, 4x² ही बन जाएगा, यही आ जाएगा 4x². तो सबसे पहले इसको मैं कंबाइंड स्क्वायर में लिखवा दिया, क्या लिखा इसको मैंने, 2x की होल स्क्वायर। उसके बाद जो 9y² है, इसको कंबाइन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3y की स्क्वायर, बिकॉज 3 3 जा 9, y² एज इट इज़। जो 16z है इसको क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 4z की होल स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद ये तो हमारा बन गया x की स्क्वायर बन गया, ये y की स्क्वायर बन गया, z की स्क्वायर बन गया, ये चीज़ बन गई। अब ये चीज़ बनानी है 2xy 2yz 2zx, ये चीज़ बनानी है। तो ये देखो बनती है, ये जो 12xy है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 into, अब ना इसके 2 into 2x into 3y लिख सकती हूँ, क्यों, ध्यान से देखो। अब ये हमारा क्या बनेगा, देखो ये हमारा क्या बनेगा, अगर पहले इसको मैं इकट्ठा करूँ तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, एक्स और वाई, एक्स वाई एज इट इज़, तो बनेगा तो ये 12xy बनेगा ना। तो इसीलिए मैंने इसको किस तरह से बनेगा, ये 12xy मैंने इसको इस तरह से ओपन किया, ये जो 12xy था, ताकि हमारा 2xy बन सके, बिकॉज ये 2 आ गया, x क्या है हमारा 2x, 2x आ गया, y क्या है हमारा 3y, तो इसको हम ओपन कर करके लिख रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 2xy 2yz और 2zx, आगे प्लस, आगे लिखेंगे 2yz, तो 2y कितना था हमारा 3y, और z कितना था हमारा, दैट इज़ अ 4z, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो यही बनेगा 24yz। ठीक है, इसके बाद
तो नेक्स्ट कहाँ पे आ गए हम? नेक्स्ट है हमारा टू जेड एक्स बनना चाहिए, टू जेड एक्स बनना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? इसको ओपन करेंगे, टू जेड कितना है हमारा? फोर जेड इंटू एक्स कितना है हमारा? टू एक्स। क्लियर, ये बन गया। तो इसको हम आगे क्या है, ये हमारा आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे हम इसको, सारी टर्म हमारी बन गई, इसमें हमारा एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स का काम हमारा टू एक्स कर रहा है, वाई का काम हमारा थ्री वाई कर रहा है, और जेड का काम हमारा फोर जेड कर रहा है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू है टू एक्स एक तरह से, वाई की वैल्यू है थ्री वाई, और जेड की वैल्यू है फोर जेड। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने, हमारे पास ये राइट साइड थी, हमने इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करवाना था। तो लेफ्ट साइड हमारी क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। क्या है हमारी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। तो पुट कर दो वैल्यूज एक्स वाई जेड की जो हमने अभी निकाल लिया है। एक्स कितना है? टू एक्स प्लस वाई कितना है हमारा? थ्री वाई प्लस जेड कितना है हमारा? फोर जेड। तो इस सारे की होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने करवाना होता है, इसको ध्यान से करना। सबसे पहले ओपन करवा लो, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको ओपन करवा के लिखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, तब हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने करना था ये क्वेश्चन हमारा। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? यस, यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़ और देखो भाई यहाँ पे। हाँ, जो हमारा 24yz था, है ना, ये हमारा किस में आना चाहिए था? हमारा माइनस में वैल्यू आनी चाहिए थी। चलो ऐसे ही कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप छोड़ सकते हो, मत करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो अंडर रूट में चला जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। ये जो ये क्वेश्चन है ना, अंडर रूट में चला जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो ये रहने दो, ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई हमारी। यहाँ पे ये ना जो साइंस थे, डेट आर ऑफ नेगेटिव साइंस थे, है ना, नेगेटिव साइन के कारण। देखो ये चीज़ देखने की कोशिश करो, एक्स यहाँ पे भी था, वाई यहाँ पे भी था, एक्स वाई दोनों यहाँ पे थे, फिर भी हमारा इसके आगे साइन पॉजिटिव था। तो मतलब एक्स और वाई तो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, तभी यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, इसके आगे हमारा ना पॉजिटिव था। बट यहाँ पे जेड आ गया, जब जब दोनों टर्म्स में जेड आ गया तो हमारे साइन क्या है? नेगेटिव में चले गए। इट मीन्स हमारा जेड है जो नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे ना हम फोर की बजाय माइनस फोर जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस फोर जेड। क्यों? क्योंकि फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस से माइनस कट होके आएगा, तो हमारा यहाँ पे प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर ना। पर यहाँ पे माइनस के कारण यहाँ पे माइनस लगाना ज़रूरी है जेड के आगे, माइनस फोर जेड आएगा यहाँ पे। क्या आएगा हमारा? माइनस फोर जेड, ठीक है, ध्यान से याद रखना। तो यहाँ पे भी हमारा माइनस फोर जेड लिखोगे, और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? माइनस फोर जेड। क्लियर, तो जो जेड वाली टर्म है माइनस में आएगी, क्योंकि ऊपर जेड के कारण ये चीज़ें माइनस में आ रही थी दोनों। एक्स वाई तो हमारे ऑलरेडी पॉजिटिव में ही थे, ठीक है ना, तो जेड में जो चीज़ें ली हैं हमने वो माइनस में लेके चलनी है हमने। ये छोटी सी रह गई थी, ठीक है, और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वन सेकेंड रुको, तो हमारा थोड़ा सा और शायद फ़र्क पड़ेगा। 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन, यस, देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी डिफरेंस पड़ेगा फिर ये नेगेटिव साइन के कारण, क्योंकि अब जो हमारी जेड की वैल्यू आई है, दिस इज़ इन नेगेटिव साइन, तो माइनस फोर जेड आई है। तो यहाँ पे भी जब हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस फोर जेड करेंगे, ठीक है, माइनस फोर जेड ये आंसर आएगा, माइनस आएगा जेड के आगे। आगे इसकी स्क्वायर है ना, इसको आप टू टाइम्स ओपन भी कर सकते हो, टू टाइम्स ओपन करके लिख दो। ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेम ही सेकंड टाइम हो जाएगा, तो डैट इज़ अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। इसको टू टाइम्स ओपन करके लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन मत करना, ठीक है, अंडर रूट में आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, वी गो टू द सिक्स क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सटेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने एक क्यूब है ना, जो इनको एक्सपेंड ओपन करके लिखना है, ये तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टू एक्स प्लस वन की
क्यूब, होल क्यूब है, तो मतलब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर क्यूब है ना, तो क्यूब वाली टू आइडेंटिटीज थी कौन कौन सी, एक तो हमारे पास ये थी, एक हमारे पास ये थी, क्यूब वाली टू आइडेंटिटीज थी हमारी। फर्स्ट क्या थी ये, सेकंड क्या थी, ये दोनों में फ़र्क क्या था, इसमें प्लस, ये प्लस वाली थी, ये क्या थी हमारी माइनस वाली ना, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पे माइनस वाली लगानी है माइनस वाली लगा देंगे, जहाँ पे प्लस की लगानी है प्लस वाली। और इसको क्या है, हमें ये फॉर्म दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड की तरह दे रखा है, हमने इसको राइट साइड में ओपन करा देना है, ये तो ईजी है, ये याद कर लो दोनों की दोनों आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सिंपल है लगा लोगे, सेकेंड मैं करवाती हूँ, माइनस वाला करवाती हूँ, ठीक है, सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट करवाती हूँ। सिक्स का सेकेंड पार्ट है टू ए माइनस थ्री बी की क्यूब, है ना, तो अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्यूब भी है और माइनस भी है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी लिख लो, एक्स माइनस वाई की क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज़ इक्वल टू द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अब पहले यहाँ से हम एक्स और वाई की, अब देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है टू ए और वाई की वैल्यू क्या आ रही है थ्री बी आ रही है ना, तो हमारा बाय कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू ए आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास थ्री बी आ गई, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई और हमें ये लेफ्ट साइड दे रखी है और हम क्या करेंगे एक्स वाई की वैल्यू राइट साइड में क्या है पुट करवा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा टू ए माइनस थ्री बी की क्यूब इज इक्वल टू, जो राइट साइड में ना यहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट क्या है एक्स की क्यूब, तो एक्स कितना है हमारे पास टू ए की क्यूब बन गई प्लस आगे क्या है वाई क्यूब, वाई कितना है हमारे पास थ्री बी की क्यूब बन जाएगी, देन क्या है माइनस थ्री एक्स वाई, थ्री एक्स कितना है टू ए, वाई कितना है थ्री बी, सिंपल पुट कर रहे हैं यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यू कुछ नहीं किया, ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे इसके साथ ही है ये ब्रैकेट में टू ए माइनस थ्री वाई, है ना, ये एक्स माइनस वाई है, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, टू ए को हम थ्री टाइम्स ओपन करेंगे, टू ए की जैसे क्यूब है थ्री टाइम्स ओपन किया टू ए मल्टीप्लाई बाय टू ए मल्टीप्लाई बाय टू ए, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए क्या बन गई ए क्यूब, तो कितना आंसर आ जाएगा एट ए क्यूब जब हम इसको ओपन करेंगे, तो हमारा आ गया एट ए क्यूब। सिमिलरली प्लस अब हम इसको सोल्व करेंगे तो थ्री को थ्री टाइम्स करेंगे थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, बी को थ्री टाइम्स करेंगे बी क्यूब आ जाएगी। उसके बाद माइनस इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई है, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, ए को बी से कराया ए बी एज इट इज़, और इसके साथ ही है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई डाल के लिख लो ब्रैकेट में टू ए माइनस थ्री बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवाया अगर एट ए क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब, ठीक है, उसके बाद ये देखो हमारे पास ऐसे है ना माइनस एटीन ए बी टू ए माइनस थ्री बी, ये चीज़ है। अब ये भी तो दोनों किस में है, इनके बीच में कोई सान नहीं है तो मल्टीप्लाई है, पहले एटीन ए बी को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एट ए क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब, पहले एटीन ए बी को किससे कराया टू ए से, इसके आगे माइनस है इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, एटीन टू जा थर्टी सिक्स, ए बी यहाँ पे भी ए है तो दो ए हो गए ए स्क्वायर बी का भी एज इट इज़। अब हम कराएंगे एटीन बी को ए बी को थ्री बी से, तो इसके आगे माइनस है इसके आगे भी माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एटीन थ्री जा कितना होता है, एटीन थ्री जा कितना होता है भाई, एटीन थ्री जा थ्री एट जा चार दो तीन फिफ्टी फोर, ठीक है, एटीन थ्री जा कितना होता है डैट इज़ अ फिफ्टी फोर, तो फिफ्टी फोर ए बी है यहाँ पे बी है तो ए बी दो बन गए तो बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके आगे बस अब देखो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी चीज़ में से, कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ए क्यूब है, उसके बाद क्या है ट्वेंटी सेवन बी क्यूब है, ये कुछ भी क्या है इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं आप यहीं तक, क्योंकि ए क्यूब वाला ए क्यूब में ऐड होना था बी क्यूब वाला बी क्यूब में, तो इस तरह के और कोई टर्म्स है ही नहीं, तो किसी में भी एक दो थ्री टर्म ऐड नहीं होगी तो ये हमारा क्या है रिमेनिंग आंसर बन जाएगा, तो डैट इज़ आवर आंसर।
चेक कर ले एक बार इसका आंसर कहाँ पे है। यस हाँ यही आपका आंसर है, ठीक है, सेम है बिल्कुल। उसके बाद ये आपका सिक्स्थ का सेकंड क्वेश्चन हो गया, और सिक्स्थ के दो क्वेश्चंस हो रहा है, ये और ये, इन दोनों में से एक करवा देती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। मैं इसका सिक्स्थ का और आप खुद से करना इसके पार्ट। सिक्स्थ का फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू बाई थ्री वाई सारे की होल क्यूब। क्यूब है तो ऑब्वियसली क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, सेंटर में क्या है माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, तो सेम जो हमने ऊपर यूज़ किया है वही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। क्या है, एक्स माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो अब इसमें पहले तो कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करके वैल्यूज़ अगर हम फाइंड आउट करें तो एक्स का काम हमारा क्या कौन कर रहा है, एक्स ही कर रहा है, और वाई का काम कौन कर रहा है, टू बाय थ्री वाई कर रहा है। तो हमारी एक्स की वैल्यू तो एक्स ही आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टू बाय थ्री वाई आ गई, है ना। तो हमारे एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई, अब किस में पुट कर देंगे, राइट साइड में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा आगे तो यही लिख लो, इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करें पहले, एक्स क्यूब है तो एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है, एक्स क्यूब ही आ जाएगी, देन प्लस वाई क्यूब है तो वाई की वैल्यू टू बाई थ्री वाई है, सारे की क्यूब आ जाएगी, देन माइनस थ्री एक्स वाई, माइनस थ्री एक्स कितना है, एक्स ही है, वाई कितना है, टू बाई थ्री वाई है ना। देन क्या है फॉर्मूले में, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो। सिंपली हमने जो हमारी ये एक्स और वाई की वैल्यू आई थी हमने फॉर्मूले में डाल दी, और इसको क्या सोल्व कर लो, एक्स की क्यूब ही रह जाएगा ये तो ना, उसके बाद ये तो एज इट इज़ रह गया, इसको ओपन करेंगे टू बाई थ्री वाई की क्यूब, टू बाई थ्री वाई की क्यूब मतलब क्या, थ्री टाइम्स ओपन टू बाई थ्री वाई मल्टीप्लाई टू बाई थ्री वाई मल्टीप्लाई टू बाई थ्री वाई, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ऊपर तो एट आ गया, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन आ गया, वाई 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 क्या बन जाएगा, वाई क्यूब। हमारा आंसर आ रहा है एट बाई ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब, एट बाई ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब। तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस एट बाई ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे सोल्व करो इसको, जो भी रहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो पहले, तो इन थ्री से मल्टीप्लाई में थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, तो सिंपल हमारे पास क्या बचा, टू एक्स वाई, ये टू बचा, ये एक्स बचा, ये वाई बचा, सारे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके लिख दिया इकट्ठा करके, अंदर क्या है एक्स माइनस टू बाई थ्री वाई एज इट इज़, ठीक है। उसके आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब एज इट इज़ प्लस एट बाई ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, जब हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, कि दो एक्स हो गए एक्स स्क्वायर, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू जा क्या बनेगा, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर बाई थ्री एक्स एज इट इज़ वाई दो बन गए तो वाई स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या है हमारा आंसर आ गया। तो आपने इसी तरह से बस एक्सपेंड करके क्या आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देन चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, सेवन्थ भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट करना है आइडेंटिटी लगा के, तो ऑब्वियसली इवेलुएट करना है, ये सारी क्यूब है, 99 की क्यूब, 102 की क्यूब, 998 की क्यूब, तो ऑब्वियसली अगर क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटीज ही लगेगी। जैसे आप 99 को क्या लिख दोगे, 100 माइनस वन की क्यूब, है ना, तो आपका कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी की क्यूब वाली लगा दोगे, ए का काम आपका 100 करेगा, बी का काम आपका 1 करेगा, तो ये हो जाएगा। सेकंड है, जैसे एक करवा दूंगी, चलो अभी एक बार देख लो, 102 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 की क्यूब, है ना, 100 प्लस 2 की क्यूब, तो इस पे क्या है ए प्लस बी की क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए का काम हमारा 100 करेगा, बी का काम हमारा 2 करेगा, और इसको ओपन कर दोगे आप, ठीक है। थर्ड वन है 998 वाली, तो 998 वाली कहाँ पे है, यस ये है, तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो ये करवा देती हूँ, 998 की क्यूब, ठीक है। तो सेवन्थ का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, 998 की क्यूब कर रहे हैं, तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, है ना, इसको हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, 1000 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 998 बनेगा, ये देख लो किसने से किसको, 100 में से करके आ रहा है 1000 में से, वो देख लो। उसके बाद दोनों को कंपेयर करो,
तो हमारा जो हमारी ये पता चल रहा है हमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी की क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ए का काम हमारा 1000 कर रहा है, बी का काम हमारा 2 कर रहा है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1000 और बी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये निकल गई हमारे पास। अब आइडेंटिटी ओपन करें अगर हम तो क्या आती है, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये आपने याद रखनी है आइडेंटिटीज। अब इसमें क्या है, वैल्यूज डाल दो, पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1000, 1000 की क्या बन गई क्यूब, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की क्यूब माइनस 3ab, ए कितना है 1000, बी कितना है 2, देन क्या है ए माइनस बी 1000 माइनस 2, है ना, पुट किया वैल्यू। 1000 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितनी सारी जीरोज आ गई। 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 4 4 2 8, उसके बाद माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया आपस में, 3 2 6 6000, 1000 में से 2 माइनस किए कितना आएगा 9 9 80 बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1000008। ये इतना आ गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जितना आएगा वो लिख देना, फिर दोनों को क्या है माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे कैलकुलेटर पे कर लेना। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये इजी है, जस्ट इसको एक्सपेंड करके लिखो, देन इसको कंपेयर करके ए वी की वैल्यू निकालो, आइडेंटिटी लगाओ, वैल्यूज पुट कर दो, आपका क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या है देखो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है इनको, फैक्टराइज करना है, जैसे ये हमें दिए हुए हैं सारे, है ना, ये सारे हमें दिए हुए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखो, जैसे ना हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप 2 फॉर्म्स में लिख सकते हो, चाहे तो आप इस तरह से याद कर लो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, है ना, आप इसको फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, जैसे एक तो हमारे पास ये है, जैसे x माइनस वाई की क्यूब है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस y, एक तो ये लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x क्यूब माइनस 3x2y प्लस 3xy2 माइनस वाई क्यूब, दोनों बोथ आर द सेम थिंग्स, जैसे मर्जी याद कर लो, एक ही बात है, ठीक है, चाहे ये याद कर लो चाहे ये। ऐसे ही आप प्लस वाले को एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक आप सेकेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x2y, ठीक है, प्लस 3y2x, ठीक है। तो याद रखो, आप इनको क्या 2-2 फॉर्म्स में लिख सकते हो, चाहे तो इस फॉर्म में याद कर लो ये, चाहे आप इस फॉर्म में, आपकी मर्जी है। तो आपको कैसे भी दिया हो, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, ठीक है, दोनों में से कोई भी, तो दोनों ही आपके क्यूब वाले फॉर्मूले बनेंगे, ये चीज़ याद रखो। अब जो आपका 7th क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें किस तरह से दिया हुआ है, कुछ क्यूब भी दी हुई है, 4 टर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स किस फॉर्मूले में आ रही है अगर हम देखें आइडेंटिटी में, 4 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, किसी में नहीं है ना 4 टर्म्स अभी तक। तो अगर इसमें अभी मैंने आपको इस फॉर्म में बताया, ये इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो ये हमें कुछ इस तरह से लग रहा है कि हमें ये चीज़ दी हुई है। अगर हमें ये राइट साइड दी होगी तो हम इसको कन्वर्ट करा देंगे इनटू द लेफ्ट साइड में, कन्वर्ट करा देंगे, क्या करेंगे लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करा देंगे, तो देखो क्या करेंगे हम, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं 8th का, अभी समझाऊंगी।